लोग सही होंगे। तो जैसे कि अपन ने क्लास चालू कर दी है, अपना एक सेशन हो चुका है पहले चैप्टर का। चैप्टर था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में, आज उसको कैरी ऑन करेंगे आगे। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी भी एक न्यूट्रिटिव एलिमेंट की अगर लॉन्ग टाइम तक बॉडी में अगर वो हमारे एब्सेंट रहेगा तो हम उसे मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। और पर्टिकुलर कोई एलिमेंट एब्सेंट रहता है तो हम उस पर्टिकुलर मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे अगर प्रोटीन लॉन्ग टाइम तक बॉडी में इंटेक नहीं हो, लंबे समय तक इंटेक नहीं हो, तो वो कुपोषण यानी मॉल न्यूट्रिशन कहलाता है। प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला कुपोषण, ठीक है। तो इसकी वजह से दो रोग होते हैं, क्वाश्चन क्योर और मरासमस। क्वाश्चन क्योर क्या रोग है कि इसके अंदर जैसे बच्चों में ज्यादा होता है, हमारे आप जानते हैं इंडिया के अंदर पॉवर्टी ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है, तो लोगों को सफिशियंट अमाउंट में फूड ही नहीं मिलता। न्यूट्रिशियस फूड की तो बात ही क्या करें। तो उसको खाने के लिए या उसकी कमी की वजह से, उसको ना मिलने की वजह से जो रोग होता है उसे बोलते हैं क्वाश्चन क्योर। क्वाश्चन क्योर डिजीज होती है। उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, तो इसके अंदर चिल्ड्रन की जो स्टमक होता है वह सेल हो जाता है, लूज एपेटाइट हो जाती है, इरिटेटिव बिहेवियर हो जाता है, स्किन बिकम पेल, ब्लैक ड्राई स्पॉटी एंड स्टार्ट रप्चरिंग। क्या बोला मैंने कि जो स्टमक है वो स्वेलिंग हो जाती है, उसमें चिड़चिड़ा बिहेवियर हो जाता है, जो स्किन होती है पीली होने लग जाती है, ब्लैक हो जाती है धीरे धीरे, फिर ड्राई होने लगती है और फटने लगती है। अगर लॉन्ग टाइम तक यही बिहेवियर रहे या ये लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं मिलेगा तो एक और डिजीज हो जाती है जिसे मरासमस कहते हैं। उसके अंदर आई श्रिंक हो जाती है, अंदर की तरफ धस जाती है, मसल्स जो होती है वो वीक होने लगती है, मसल्स लॉस होने लग जाता है। तो ये सब चीजें मरासमस के अंदर होती है। इसे हम बोलते हैं प्रोटीन से होने वाली, प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीजेस, प्रोटीन मॉल न्यूट्रिशन की वजह से होने वाली डिजीज। दो नाम है क्वेश्चन क्योर और मरासमस। आप लोगों को नाम भी याद करना है, उनसे होने वाले जो रोग के सिम्टम्स है वो याद करना है। अब नेक्स्ट है मिनरल मॉल न्यूट्रिशन। मिनरल की कमी से मिनरल मॉल न्यूट्रिशन, मिनरल की कमी से होने वाला जो डिजीज है उसे हम मिनरल मॉल न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है मिनरल क्या होते हैं, आयोडीन और आयोडीन है और आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ये मेन मिनरल्स हैं। अब जैसे आयोडीन की कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी से क्या होगा, आयोडीन सीधे इफेक्ट करता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। ये थायरोक्सिन हार्मोन बिना आयोडीन के नहीं बन सकता। अगर आयोडीन कम होगा थायरोक्सिन कम बनेगा, थायरोक्सिन कम बनेगा थायराइड का जो वर्क है मेटाबॉलिज्म का वो प्रॉपर नहीं होगा और जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो सूज कर फूल के सेल होकर लटक जाएगी, उसे हम बोलते हैं गोइटर। आप लोगों ने देखा होगा कहीं होंगे, आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे, ऐसे इस तरह से फूली हुई गर्दन होती है, गला होता है लोगों का। ज्यादातर ये पहाड़ी एरिया के लोगों में होता है क्योंकि पहाड़ी एरिया की धरती के अंदर आयोडीन नहीं पाया जाता। तो इसके बचने के लिए क्या करना चाहिए, नमक में आयोडीन खाना चाहिए, यानी आयोडीन नमक को लेना चाहिए। अब आता है आयरन। आयरन जो हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने वाला मेन कंटेंट है, आपको पता ही होगा कि जो आरबीसीज है इसका रंग लाल होता है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट होता है, कौन सा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा, हीमोग्लोबिन में क्या फायदा होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैच करने की क्षमता रखता है। अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो क्या होगा, हम लोग जितना इंटेक हमें ऑक्सीजन का करना चाहिए उतना हम कर नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन कम होगी तो क्या होगा, हमारा एनर्जी लेवल गिर जाएगा, हमें काम करने में थकान महसूस होगी, ठीक है। तो ये सब कारण होता है आयरन की कमी से। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है उसे एनीमिया कहते हैं। अच्छा, अब कैल्शियम। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, अगर इसकी कमी होने लग जाती है तो धीरे धीरे हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, जरा इसकी चोट लगने से तड़कने लग जाती है, ठीक है। ऐसे ही सोडियम पोटेशियम की आप लोग बुक में देख सकते हैं, ये आपकी एक टेबल दे रखी है, इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। इसमें तीन चार चीजें दे रखी है, नेम दे रखा है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज दे रखा है, इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रखे हैं, आपको सब याद करना है, ठीक है। अब आता है ह्यूमन हेल्थ रिलेटेड और चीजें, ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के क्या गुण होने चाहिए, पीने का पानी, हर एक पानी तो हम पी नहीं सकते, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते, हमारा पानी पीने लायक होना चाहिए,
पीने वाला पानी की क्या विशेषता होना चाहिए, यानी पीने के पानी को हम किस पानी को हम पी सकते हैं, उसमें क्या गुण होने चाहिए। पहला जो है उसके अंदर ऑक्सीजन फुलफिल होनी चाहिए, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। दूसरा उसका पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए। तीसरा जो हम खुद देख सकते हैं कि उसमें कोई भी विजिबल पार्टिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए। ये तो विजिबल पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए, पीएच लेवल मेंटेन होना चाहिए, ऑक्सीजन फुलफिल होनी चाहिए, भरपूर मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है वाटर इंटेक करना चाहिए, अगर वाटर का काम क्या है बॉडी में, कभी दिमाग लगाया कि हम पानी क्यों पीते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में हमें प्यास क्यों लगती है, क्या काम आता है पानी। अगर आप लोगों को पता है अगर हम दो तीन दिन अगर बिना पानी के रहेंगे तो हमारी डेथ हो जाएगी, तो ऐसा क्या काम करता है पानी। पानी काम करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर में हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती है वो बिना वाटर के नहीं हो सकती। आपने देखा होगा ब्लड के अंदर भी 90% वाटर होता है, अगर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड में भी पानी कम हो जाएगा, वो फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। बहुत सारे काम हैं जो कि वाटर के द्वारा ही होते हैं। अच्छा अच्छी अमाउंट में 8 से 10 गिलास पानी हर हालत में एक मानव को, एक ह्यूमन बींग को पूरे दिन में पीना चाहिए। ज्यादा पी सकते हैं लेकिन मिनिमम 8 से 10 गिलास है तो ये बहुत अच्छा होता है। इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे जो भी हमारे बॉडी के टॉक्सिक चीजें होती हैं वो बाय यूरिन बाहर निकल जाते हैं, बाय स्वेट यानी पसीने के बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एलर्जीज बाहर निकल जाती है, अस्थमा के पेशेंट है और कई पेशेंट है, इंटेस्टाइनल डिजीज के पेशेंट है, लंग इन्फेक्शन के पेशेंट है, उनको तो बहुत ही ज्यादा गुणकारी है पानी, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर पानी की बहुतायत होनी चाहिए, पानी कभी भी कम नहीं पीना चाहिए, सफिशियंट अमाउंट में वाटर इनटेक होना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो चाहे बारिश हो। अब अगर गंदा पानी, मैंने बोला ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम पोर्टेबल वाटर भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका व्हाट इज पोर्टेबल वाटर या व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोर्टेबल वाटर, ठीक है ना। तो अगर हम पोर्टेबल वाटर नहीं पियेंगे या यूं बोले हम डर्टी वाटर पियेंगे, पोल्यूटेड वाटर पियेंगे, तो उससे क्या होगा, बहुत तरह की डिजीज हो जाएगी। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के थ्रू हमारे अंदर चले जाएंगे, वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, वर्म्स है, वो पानी के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एक रोग है जॉइंटिस पीलिया, आप लोग उससे अच्छे से परिचित होंगे। कॉलेरा है, जॉइंटिस है, और दस्त है जिसे हम डिसेंट्री कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉल्यूटेड वाटर को पीने से होती है, ठीक है। अच्छा एक बहुत पुरानी डिजीज का नाम आपने सुना होगा ड्रैकनकुलस, तो ये बहुत पुरानी डिजीज थी, उसका नाम हमारे यहाँ नारू रोग से जाना जाता था, नारू नाम था उसका। वो एक विशेष प्रकार के वर्म की वजह से होता था, उसका नाम है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस, एक पैथोजन है ड्रैकनकुलस मेंडिनेंसिस। ये डर्टी वाटर के थ्रू लोगों के अंदर जाता था इंटेस्टाइन में, और बहुत दुखदायी बहुत ही पीड़ादायक रोग था ये। धीरे धीरे हमारी सरकार ने नारू एरेडिक्शन प्रोग्राम को चलाया ईयर 2000 में, और अब ये हमारे राजस्थान से रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, मोटापा। आप लोग देखते हैं आजकल बच्चे काफी ज्यादातर पौष्टिक चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए हेल्दी नहीं होती है, वो मोटे हैं यानी उनमें चर्बी ज्यादा है, ठीक है, मांस ज्यादा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम अच्छी चीजें खाते ही नहीं है, न्यूट्रिशियस चीजें खाते ही नहीं है, पिज्जा बर्गर, ठीक है ये अच्छी चीज, ये आप लोगों को अच्छी लगती है, मैं मानती हूँ स्वादिष्ट लगती है, हमें भी अच्छी लगती है, लेकिन इसको खाने का एक डे डिसाइड कर सकते हैं हम। डेली रूटीन के अंदर इसको नहीं लेना चाहिए, हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बार ले लिया और वो भी कम अमाउंट में, तो ये चल जाता है। न्यूट्रिशियस चीजों की जगह हम पिज्जा है, कचौड़ी, समोसे, आलू से बने हुए वेफर्स, ये सब चीजें लेते हैं, तो हमारे धीरे धीरे हमारे ऊपर फैट जमा, हमारी बॉडी में फैट जमा होने लग जाता है, ठीक है। तो इसे हम ओबेसिटी कहते हैं। ओबेसिटी इज अ कंडीशन इन विच एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट इज डिपॉजिटेड इन बॉडी इन सच एज एक्सटेंट दैट इज कॉजेज एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑन आवर हेल्थ। तो ये हमारी डेफिनेशन है, आपको बुक में ही इसकी पहले से ही शुरुआत में ही डेफिनेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो अच्छा अगर हम हमारी बॉडी के हिसाब से हम कितने मोटे हैं या मोटापे से ऊपर है या मोटापे की एज पे है या मोटापे से कम है, तो उसके लिए एक इंडेक्स है BMI, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं इसे। इट इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट, हाइट और वेट का रेशियो मिलाकर इसे निकाला जाता है। माना व्हेन इट इज 25 kg मीटर पर स्क्वायर,
देन पर्सन इज एन प्री स्टेज ऑफ ओबेसिटी एंड व्हेन इट इज मोर देन 30 केजी मीटर स्क्वायर देन इट इज स्टेट ऑफ ओबेसिटी। इस तरह से इसको निकाला जाता है बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा क्या प्रॉब्लम हो जाती है मोटापे से? सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती है, स्लीपिंग प्रॉब्लम रहती है, कैंसर ज्यादा होने की प्रॉब्लम यानी चांसेस रहते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? फैटी चीजें हैं, घी, तेल, तली हुई चीजें, भुनी हुई चीजें, आलू, इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल वगैरह खानी चाहिए ताकि ओबेसिटी ना हो। अब आता है ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होगा? आपने देखा होगा डॉक्टर्स के, तो हम सब कभी ना कभी जाते हैं, आपने देखा होगा कि डॉक्टर यहाँ पर इस तरह से हाथ से ऊपर ही मुड़वा के और यहाँ पे बांधता है और फिर उसको पंप करता है और एक घड़ी जैसी डिवाइस होता है उसमें देखता है। वो क्या होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र। तो ब्लड प्रेशर क्या है? इसकी सीधी सारी सी डेफिनेशन है, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बाय फ्लोइंग ब्लड इन दीज वेसल्स इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ब्लड के द्वारा बहने जो श्राएं हैं या जो हमारी धमनियां हैं उनके अंदर आर्टरीज है, वेन्स है, उनमें जो ब्लड फ्लो करता है वो ब्लड फ्लो करते टाइम प्रेशर लगाता है वॉल्स पर, उसे हम बोलते हैं जैसे ये वालों है। यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, यहाँ पर प्रेशर लगाएगा, कहते टाइम प्रेशर लगाएगा। आप लोगों ने देखा होगा जनरली भी हम देखते हैं, अब हम लोग पाइप से पानी देते हैं, देते हैं हम, अगर कहीं पे छेद होता है पाइप में तो वहां से पानी का फवारा फूट के निकलता है। तो वो कैसे निकला, कैसे फवारा कैसे निकला? क्योंकि पानी ने पाइप के ऊपर प्रेशर लगाया। वैसे ही हमारा जो ब्लड है उसमें भी 90% वाटर होता है, तो ये वाटर भी ब्लड वेसल्स की जो अंदर की जो वॉल्स होती है उन पर प्रेशर क्रिएट करता है। ये प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। ये ज्यादा न कम इसके लिए एक पर्टिकुलर एक हमारे सेट है 120/80 120/80 सिस्टोलिक प्रेशर रहना चाहिए। ये हमारा एक आदर्श प्रेशर है किसी भी स्वस्थ इंसान के लिए, स्वस्थ मनुष्य के लिए 120/80। 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर यानी जब ब्लड एक से दूसरी जगह में यानी हार्ट के अंदर फ्लो कर रहा होता है, जब हमारा ऊपर का हिस्सा आर्टरी जो होती है आर्ट्रियम होता है जो सिकुड़ता है हार्ट हमारा सिकुड़ता है, सिकुड़ने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद वापस रिलैक्स हो जाती है, हार्ट वापस रिलैक्स हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, हाई बीपी लो बीपी सब जानते होंगे। हाई बीपी और लो बीपी में लो बीपी क्या है? लो बीपी यानी लो ब्लड प्रेशर यानी जब जो ब्लड की फ्लो होने की जो दर है यानी वो अगर धीमी हो जाए, यानी जो ब्लड है वो धीमी गति से बहने लगे हमारी आर्टरीज और वेन्स में, तो हम उसे बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी भाई? हमें सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन की तो जरूरत होती है, ऑक्सीजन से एनर्जी मिलेगी। ऑक्सीजन कौन फ्लो करता है ब्लड के अंदर? कौन करता है ऑक्सीजन फ्लो करता है ब्लड बॉडी के अंदर। बॉडी में हमारे सर से लेकर पैर तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है, हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक, एक एक सेल तक जो ऑक्सीजन पहुंचती है वो ब्लड के थ्रू पहुंचती है। अगर ब्लड का प्रेशर ही लो हो जाएगा, अगर वो सफिशियंट अमाउंट में नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो एनर्जी कम मिलेगी, एनर्जी कम मिलेगी तो धीरे धीरे थकान होने लगेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा और हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी पार्ट्स है, प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के चक्कर में धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, कई बार जो इंसान है वो कोमा तक में पहुंच जाता है। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कि थोड़ा सा सॉल्टी भोजन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। हाई बीपी ये किस लिए होता है? ज्यादा टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से, घबरा जाने से, किसी चीज का मन में सदमा करने से, ये डिप्रेशन होने से हाई बीपी हो जाता है। तो इसके लिए एक क्या प्रॉब्लम होती है, जो ब्लड ये जो फ्लो होता है लो बीपी में क्या था, धीरे होता है, इसमें जरूरत से ज्यादा तेज होता है। इतना तेज ब्लड प्रेशर होता है कि कई बार वेन्स आर्टरीज का फटने का डर रहता है, तो डैमेजेस हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। दिमाग की कोई वेन्स है, दिमाग की कोई नस है, वो फट जाए, फट जाने से जो ब्लड है वो पूरे दिमाग में यानी हमारे ब्रेन के अंदर फैल जाता है, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं उसे,
इससे कई लोगों की आजकल बहुत ज्यादा ये होने लगा है कि साइलेंटली होता है, ये आपको पता भी नहीं चलता, आपको स्ट्रेस है क्या है, क्लॉट आ जाता है, वहां से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ने से जो आर्टरीज वेन सब फट जाती हैं और ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं, और इससे जो ह्यूमन बींग है उसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन खाना चाहिए, पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, भोजन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि लिक्विड डाइट लें आप, ठीक है, फलों का बिल्कुल सही अमाउंट में आपको यूज होना चाहिए, और फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटीज वो ऑबेसिटी के लिए भी नेसेसरी है, ऑबेसिटी कम करने के लिए भी नेसेसरी है, और आपका बीपी मेंटेन रहे इसके लिए भी नेसेसरी है, अपना थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज पर डे होना जरूरी है, ठीक है। आज की क्लास के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मंच मैंने तैयार किया है, वो यहाँ पे बोर्ड पर है, आपको अपने कॉपी में इसे करना है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, डेफिनेशन आपकी बुक में मिल जाएगी, जो जहां तक मैंने पढ़ाया उसे ढूंढेंगे आप, आराम से मिलेगी। व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है क्या क्या गुण होने चाहिए, वो तीन गुण है वो आपको लिखने हैं। व्हाट इज बीएमआई, बीएमआई किसे कहते हैं आपको लिखना है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं आपको बताना है। प्रॉपर जो आप डेली बेसिस पर जो भी होमवर्क मिलेगा वो अपनी होमवर्क कॉपी में करेंगे और जमा करवाएंगे, ठीक है, टेक केयर, बाय।